हे गाइस, क्या हाल चाल है? उम्मीद है बढ़िया होगे। वैसे आज के इस वीडियो में मैंने Realme 9 Pro Plus के बारे में और भी ट्रिक्स बताए हैं जिन्हें की जानकर के आप भी चौंक जाएंगे। और Realme 9 Pro Plus का ही क्यों, जो Realme 9 Pro यूज कर रहे हैं या जिसमें Realme UI 3.0 अपडेट आया, उन सब के लिए ये वीडियो कमाल की होगी। वैसे मैंने टॉप टॉप ट्रिक बताए हैं जो कि आप सबको जानना चाहिए, और फोन में ये सेटिंग अगर आप मेंटेन करके रखेंगे जो मैंने बताया है, तो फोन काफी अच्छा चलेगा और फास्ट भी चलेगा, स्मूथ भी चलेगा। तो खैर, चलिए ना बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बाकी इस वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया था ना, तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर देना है, वीडियो को सबसे पहले लाइक कर देना है, और सब्सक्राइब नहीं किए थे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और घंटी बटन जरूर दबा दीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर कर देंगे तो और लोग जानेंगे, और वो भी अपने फ़ोन के अंदर इस तरह से वो भी सेटिंग करके मस्त तरीके से यूज़ कर पाएंगे। और कमेंट में लिख देना है Realme बेस्ट ट्रिक, Realme फ़ोन ट्रिक, या तो ये कमेंट में लिख सकते हैं। और आप जो भी फ़ोन चलाते हैं, अगर आप अपने फ़ोन के बारे में कमेंट बताएंगे तो हम आपके फ़ोन के ऊपर और भी स्पेशल वीडियो बनाएंगे। चलिए बताते हैं फ़ोन को कैसे कनेक्ट करना है। तो अपने किसी भी Realme का मॉडल हो या फिर जो भी आपके पास है, उसको कनेक्ट करने के लिए ना सबसे पहला जो आपको काम करना है, वो आपको अपने फ़ोन में ये ऐप चाहिए होगा। ये ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा बिल्कुल फ्री में, मैं लिंक आपको बता दूंगा अभी। चलिए ना आपको बताते हैं, तो हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करते हैं, और इस तरह से नेक्स्ट करना है। और यहाँ पर देखिए स्क्रीन मिररिंग आपको दिख रहा है ना, इस पर जाइए, फिर आपको दिख रहा है ये, तो इस आपको इस पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर देखिए स्क्रीन कास्ट आ गया, इसको चालू कर दीजिए। थोड़ा सा यहाँ पर वेट करिए, इंतज़ार करिए, और देखिए ना ये आपको दिख गया आपके टीवी। तो इस तरह तो ये देख सकते हैं, बस जैसे ही मैंने कनेक्ट किया और ये नॉर्मली मेरा फ़ोन डायरेक्ट कनेक्ट हो चुका है, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे आप वीडियो, आपके फ़ोन में वीडियो है या कुछ भी है तो वो भी आप आसानी तरीके से चला सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, मैं वीडियो यहाँ पे चलाता हूँ, तो वाओ ये देखिए मेरे फ़ोन में ये वीडियो है, ये देख सकते हैं। मैं यहाँ पे साउंड भी देता हूँ, तो साउंड को मुझे कम करना पड़ेगा, और इसको जूम कर सकते हैं ना अपने अकॉर्डिंग, फिट कर देंगे तो ये, और ये देखिए अभी फिट हो गया ना। हाँ, तो इस तरह से चला सकते हैं। मैं साउंड को थोड़ा कम कर देता हूँ यार, कॉपीराइट स्ट्राइक का डर है। तो वायरलेसली देख सकते हैं, Realme 9 Pro Plus में भी ये फीचर है, बहुत ही अच्छी बात है। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए थे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले फ़ोन के सेटिंग में जाइएगा, फ़ोन के सेटिंग में जाने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, और दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे मिल जाता है सबसे पहले तो स्पेशल फीचर। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिख जाएगा स्पेशल फीचर। यहाँ पर जाने के बाद आपको मिल जाएगा फ्लेक्सिबल विंडो। फ्लेक्सिबल विंडो पर जब आप क्लिक करते हैं तो ये देखिए ना, आप जैसे बटन फ्री मोड, ये बटन फ्री मोड है, क्विक हाइड विंडो गेम, ये सब है। अब देखिए मैं इसका मैं फ़ायदा बताता हूँ क्या है। अब जैसे कि ये सेटिंग ही है, इसको मैं आप चाहते हैं मतलब थोड़ा डिफरेंट तरीके से यूज़ करना, तो ये जो बटन फ्री मोड है इसको देखिए मैं यूज़ करके बताता हूँ। जैसे मैं प्ले स्टोर पर मैं गया, या तो व्हाट्सएप ही समझ लीजिए, या आपका फेसबुक समझ लीजिए, ऐसे करिए स्लाइड, और यहाँ पर क्लिक करिए फ्लोटिंग विंडो। फ्लोटिंग विंडो पे क्लिक कर दीजिए, आपको इस तरह से दिख जाएगा। इस पर एक बार क्लिक करिए तो ये देखिए कैसे हो रहा है। यहाँ पे आप कहीं भी जाएंगे ये बीच में आपका रहेगा, वैसे ही आप इसको थोड़ा बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं। बड़ा छोटा आपको कॉर्नर में क्लिक करना पड़ेगा, ठीक ना, इस बात का ध्यान रखिएगा, कॉर्नर में। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। और यहाँ पे देखिए मैं अगर सेटिंग में भी जाऊं, ये फिर भी फ्लोटिंग विंडो मुझे दिख रहा है, इसको थोड़ा मैं छोटा भी कर सकता हूँ। ये देखिए ना, ऊपर ये काम भी कर रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ नाम का है। तो ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट फीचर है, Realme ने इस बार मानना पड़ेगा, बहुत कुछ अपडेट किया है। खैर इसको छोड़ते हैं। हाँ एक चीज़ और, इसको कट करने के लिए ये देखिए मैं बताता हूँ, इसको ऐसे में गया, ऊपर छोड़ दिया, और ये देखिए फिर से मैं आपको कट करके दिखा दूँ। कट करने के लिए इस पर क्लिक करिए और क्लोज कर दीजिए। ये मैंने ओपन किया, इसको मुझे फ्लोटिंग विंडो ओपन करना है,
ये मैं ऊपर में कर दूंगा और ये देखिए ऊपर बस हो गया। फिर इस पर क्लिक करिए और इसको जहाँ तहाँ कर दीजिए, इसको छोटा बड़ा आप कर सकते हैं और बस हो गया। तो मतलब यह कमाल का चीज़ है, ये तो बहुत ही वाकई रियलमी ने अच्छा काम किया है। और यहाँ पे इसके साथ साथ अब अगले फीचर की बात करें तो स्पेशल फीचर के अंदर आपको मिलता है जो कि मेन फीचर में बताना चाहूँगा, वो है अगला हमारा जेस्चर एंड मोशन। खैर यहाँ पे और भी फीचर है लेकिन इसको छोड़ते हैं, मेन फीचर की ओर चलते हैं। जेस्चर एंड मोशन पे क्लिक करिए, ओके करिए, अलाउ करिए। अब देखिए यहाँ पे स्क्रीन ऑफ जेस्चर, इस पर क्लिक करिए, स्क्रीन ऑफ जेस्चर को चालू कर दीजिए। और ये देखिए डबल टेप टू वेकअप और टर्न ऑफ, ये बहुत लोग ढूंढते हैं लेकिन उन्हें ये मिलता नहीं है। तो डबल टेप में होता क्या है, दो बार स्क्रीन पे टैप करेंगे, ये देखिए ना बार बार आपको बटन क्लिक करके ऑन करते थे ना, अब देखिए इस पर क्लिक करिए, हो गया आपका फोन चालू। और फिर तरह से हो गया, अब देखिए ओ है, सॉरी ये अब चालू कर देंगे, ओ वाला या वी वाला। तो यहाँ पे देखिए अब क्या होता है, ओ में बनाता हूँ, कैमरा ओपन हो जाएगा डायरेक्ट लॉक स्क्रीन पर से, कैमरा ओपन हो गया। वी बनाना है, फ्लैश लाइट चालू हो गया, देखिए फ्लैश लाइट चालू हो गया। फिर बनाइएगा, ये बंद भी हो जाएगा, बंद भी हो गया। बहुत ही स्मार्ट फीचर है। और इसके अलावा मैं अगली फीचर की बात करूं तो वो है सिस्टम सेटिंग। सिस्टम सेटिंग में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा नीचे वन हैंड मोड, जेस्चर एंड मोशन, असिस्ट बॉल। तो जेस्चर एंड मोशन में मैंने आपको लगभग सब कुछ बता ही दिया, लेकिन ये एक और है रेज टू वेकअप, ठीक है ना। और ये टच एंड होल्ड थ्री फिंगर टू, इस पे देखिए ओपन करेंगे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। खैर ऐसे में तो पहले भी आता था स्क्रीनशॉट, लेकिन आप कर सकते हैं। लेकिन ये देखिए रेज टू वेकअप का मैं फ़ायदा बताता हूँ, मोशन का। फ़ोन रखा हुआ है, अब उसको मैंने चालू कर दिया था रेज टू वेकअप, मैं बस फ़ोन को उठाऊंगा और ये काम करना शुरू कर देगा। ये देखिए फ़ोन स्क्रीन ऑटोमेटिक चालू हो गया। अब लॉक लगाए हैं तो लॉक को खोल लीजिए, ये और स्मार्ट फीचर है। और यहाँ पर देखिए फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल, अगर आपको कॉल आ रहा है, आप लैपटॉप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और फ़ोन आपका कॉल आ रहा है, आपको कुछ नहीं करना है, बस फ़ोन को ऐसे रख दीजिए, आपके फ़ोन के अंदर जो कॉल आ रहा होगा वो म्यूट हो जाएगा, उसका आवाज़ बंद हो जाएगा, फ़ोन कटेगा नहीं बस वो म्यूट हो जाएगा, मतलब उसका आवाज़ कम हो जाएगा। तो ये फ़ायदा है यार, बहुत ही स्मार्ट फीचर है ये तो। ऑटो स्विच टू रिसीवर, तो मतलब आप रिसीविंग मोड, मतलब जैसे कि स्पीकर मोड जो होता है ना, ऑटो स्विच टू रिसीवर, ऑटोमेटिकली स्विच टू द रिसीवर व्हेन यू लिफ्ट योर फोन टू योर ईयर। अच्छा, अगर आपने हैंड फ्री करके रखा है, फ़ोन को जब अपने कान के नज़दीक में ले जाएंगे तो ऑटोमेटिक वो ज़्यादा साउंड जो आपको आ रहा था लाउड स्पीकर पे था वो कम हो जाएगा, ये ऑटो स्विच टू रिसीवर में कर देंगे तो, ठीक है ना। जब हैंड फ्री करते हैं तो ज़्यादा आवाज़ आता है ना, तो ये यहाँ पे फीचर है कि इसको चालू करेंगे तब ऑटो स्विच टू रिसीवर, तो आपका ऑटोमेटिक स्पीकर मोड खत्म हो जाएगा जब आप कान पे लगाएंगे फ़ोन को तो। खैर इसके अलावा हम अगले फीचर की बात करें तो ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इसको मैं चालू करने के लिए बता रहा हूँ लेकिन ये सेटिंग बंद करना है, वो क्या है, गेट रिकमेंडेशन, इस पर चालू करिए और देखिए इसको बंद कर दीजिए। जब ये बंद कर देंगे ना तो आपको एडवर्टीजमेंट आना बंद हो जाएगा, जो फालतू के एड्स वगैरह आते थे ना तो वो एड आना बंद हो जाएगा। तो गेट रिकमेंडेशन मत करिए, इसको हमेशा बंद करके रखिए, गेट रिकमेंडेशन मैंने बंद कर दिया। अब इसके अलावा OTG कनेक्शन, अगर आप OTG कभी इन फ्यूचर लगाते हैं तो वो काम नहीं करेगा जब तक कि आप यहाँ से चालू नहीं करते हैं, ये चालू कर देंगे आप OTG लगाइए, आपका काम करना शुरू कर देगा, तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। खैर इसके अलावा हम आगे सेटिंग की ओर बढ़ते हैं जो कि हमारे फ़ोन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें कि फ़ोन थोड़ा उसमें होगा क्या तो फ़ोन का परफॉर्मेंस भी बढ़ेगा और मेमोरी कार्ड जो भर जाता है, मेमोरी कार्ड नहीं, फ़ोन का जो इंटरनल है वो जो भर जाता है वो प्रॉब्लम नहीं होगा। वो कैसे, तो ये देखिए ना प्ले स्टोर के अंदर जाइए और फिर यहाँ पर क्लिक करिए और सेटिंग में जाइए, प्ले स्टोर के अंदर सेटिंग में जाना है, नेटवर्क प्रेफरेंस पे जाना है, ऑटो अपडेट है, ऑटो अपडेट पे क्लिक करिए और यहाँ पे डोंट ऑटो अपडेट डन कर दीजिए, ऑटो प्ले वीडियो इसको भी डोंट ऑटो प्ले वीडियो कर दीजिए। जब आप ये कर देंगे ना तो उससे फ़ायदा आपको होगा क्या कि मतलब आप आसानी तरीके से
इसमें अपडेट आना, जो ऑटोमेटिक ऐप अपडेट होता है, उससे नुकसान होता है कि फ़ोन का स्टोरेज भर जाता है। लेकिन जब ये दोनों सेटिंग अगर मैं अप कर लेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा और आपके फ़ोन के अंदर स्टोरेज भी नहीं फुल होगा, इंटरनेट डाटा ऑटोमेटिक भी ख़त्म नहीं होगा और फ़ोन अच्छे से चलेगा, लैग नहीं होगा। वैसे तो लैग प्रोसेसर अच्छा है, फ़ोन हैंग और लैग जल्दी नहीं करेगा, लेकिन फिर भी अगर आप ये अच्छे से मेंटेन रखेंगे तो नहले पे दहला और अच्छी बात है। तो इस तरह से आप अपने फ़ोन के अंदर इन सब सेटिंग को करके बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं फ़ोन को। तो खैर, और भी रियलमी के UI के और भी स्पेशल फीचर मैंने वीडियो बनाए हैं, लेकिन वो वीडियो मैंने अलग से बनाया है क्योंकि इस वीडियो में अगर मैं जोड़ दूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक ना, तो उसका अलग वीडियो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए थे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो शेयर कर देंगे तो और लोग जानेंगे। कमेंट में लिख दीजिए बेस्ट रियलमी ट्रिक, बेस्ट रियलमी ट्रिक ये लिख दीजिए कमेंट में। थैंक यू, मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाकी आपने रियलमी का कौन सा मॉडल लिया है वो हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट में। रियलमी 9 प्रो प्लस लिया है आपने या रियलमी 9 प्रो आपने लिया है। थैंक यू, मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय।